हेलो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन दो स्तरों पर संचालित होता है, केंद्र और राज्य स्तर पर, और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यप्रणाली कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका एवं औपचारिक कार्यपालिका होती है। और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है या फिर मुखिया होता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं वास्तविक, और लेकिन औपचारिक या फिर नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इसी प्रकार से राज्य में है, जैसे कि मुख्य तो होता है राज्यपाल, सॉरी मुख्य तो होता है वास्तविक, प्रमुख तो होता है कौन? मुख्यमंत्री। लेकिन नाम मात्र का कौन होता है या फिर संविधानिक कौन होता है? राज्यपाल, राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, और फिर है संविधान में मुख्यमंत्री का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 164 में है। जैसे आपने देखा था कि राज्यपाल का उल्लेख किस में है? भाग 6 में ही है, और अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक आपने देखा था। ठीक है, किसका उल्लेख है? राज्यपाल का, भाग 6 में ही। और भाग 6 में ही अनुच्छेद 164 में किसका उल्लेख है? मुख्यमंत्री का उल्लेख है। संवैधानिक प्रावधान क्या है मुख्यमंत्री के बारे में? 164(1) में लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत करने को कहता है। ठीक है, विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है कौन? राज्यपाल। यह किस में प्रावधान है? अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान है। राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो, तो चुनाव के किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो भी कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल स्वविवेक से कब कर सकता है? या तो मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर चुनाव के अंदर स्पष्ट बहुमत ना हुआ तो भी स्वविवेक से राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है मुख्यमंत्री की। राज्यपाल को स्वविवेक शक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में का प्रयोग करने में क्या क्या परंपराएं या फिर पालन करना चाहिए? उसे सबसे बड़े या फिर सबसे पहले जो दल के नेता को बुलाना चाहिए पहले उसको, परंतु कई अवसरों पर राज्यपाल ने अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता के बजाय किसी अन्य मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त भी किया है। चुनाव से पहले बने संयुक्त दल या गठबंधन दल के नेता को बुलाना चाहिए, दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए, दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर विपक्ष के नेता को आमंत्रित करना चाहिए राज्यपाल को। केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं, वैसे तो राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है, विधानसभाएं हैं, उनमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर अनुच्छेद 164(1)(क) में क्या है उल्लेख है? इस अनुच्छेद का 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 को जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसका भी आकार निश्चित कर दिया गया, और केंद्र मंत्रिपरिषद का भी आकार निश्चित कर दिया गया था। राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों की 15% तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों का प्रावधान है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मैक्सिमम हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित जितनी विधानसभा सीट है उसका 15% मंत्री बन सकते हैं, और न्यूनतम हो सकते हैं 12 मुख्यमंत्री सहित। अब ध्यान रखने बात यह हो गया कि यह सेम टू सेम ऐसा ही प्रावधान केंद्र सरकार में, लेकिन केंद्र सरकार में न्यूनतम का जो 12 प्रावधान वाला वो नहीं है। फिर 164(2) अपने अभी तक क्या पढ़ा है? 164(1), 164(1)(क). ठीक है, तो एक क के अंदर तो क्या आकार है, और एक के अंदर क्या है कि
उसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और वह करते हैं स्वविवेक से बड़े दल के नेता को या फिर किसी को बुलाते हैं, उसको एक माह में विश्वास मत प्राप्त करने को कहते हैं विधानसभा में, ठीक है क्या। और नियुक्ति के संबंध में अपने पूछा था केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, वहाँ पर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसमें नियुक्ति पढ़ा था। फिर 164(1) कै के अंदर क्या पढ़ा था हमने, अकार जो कि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था निर्धारित। अब पढ़ते हैं 164(2) राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, ठीक है। 164(2) के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 164(3) में क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री को भी और मंत्रियों को। और 2 के अंदर क्या है, उत्तरदायित्व, 2 के अंदर क्या है, उत्तरदायित्व, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 3 के अंदर है शपथ जो राज्यपाल दिलाते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। कैसे, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। देखें 4 है, पहले में तो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, दूसरे में भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूँगा, पहले में तो संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रख रहा है, दूसरे में संविधान जो भारत है भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, और तीसरे के अंदर क्या है, तीसरे के अंदर है अपने दायित्वों का कर्तव्य पूर्ण जो भी मेरे दायित्व हैं उनको श्रद्धापूर्वक उनको क्या है निर्वहन करूंगा उनका, और चौथा है मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है दोस्तों। देखें जैसे अपन ने पढ़ा कि राज्यपाल है, उसके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है, लेकिन शपथ का उल्लेख राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता, लेकिन अनुसूची 3 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 164(4) फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, फर्स्ट के अंदर पढ़ी थी नियुक्ति, फिर फर्स्ट कै में अपन ने पढ़ा था 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित किया गया आकार, फिर अपन ने 2 में पढ़ा था उत्तरदायित्व, फिर 3 में पढ़ा था शपथ, अब 4 में है मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता। 4 में क्या है, योग्यता, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यताएं आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है, जैसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है, 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है क्या। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है। यदि राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो अपने क्या देखा कि 164 है जो मुख्यमंत्री के बारे में ही है, भाग 6 में इसका उल्लेख है, और 164(1) के अंदर लिखा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री या फिर विधान परिषद हैं विधानसभा हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 1 के अंदर यह लिखा था। और फिर अपन ने देखा 1 का जिसके अंदर आकार था, फिर 164(2) के अंदर क्या है, उत्तरदायित्व था, 164(2) के अंदर उत्तरदायित्व था, 164(3) के अंदर क्या था, शपथ ग्रहण थी, 164(3) के अंदर शपथ ग्रहण थी, और फिर 164(4) के अंदर क्या था, 4 के अंदर क्या था, योग्यता, 164(4) के अंदर क्या थी, योग्यता थी, ठीक है। उसकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और विधानमंडल के दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, तो 4 में क्या है, योग्यता है, 3 में शपथ, 2 में उत्तरदायित्व, और 5 में क्या है, मुख्यमंत्री की वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा
किया जाता है। तो ध्यान रखें, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75,000 रुपये प्रति माह वेतन और मिलता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री को कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यह राज्यपाल के प्रसाद का तात्पर्य है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे या बर्खास्त कर दे जब तक उसका विधानसभा में बहुमत है। अगर विधानसभा में उसने बहुमत खो देता है तो फिर राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो त्यागपत्र देना पड़ता है या फिर राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, 164(1) पढ़ा है, जिसके अंदर क्या उल्लेख था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख था। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 164(क) के अंदर अपने पढ़ा था क्या, आकार 91 संशोधन 2003 द्वारा किया गया। फिर 164(2) के अंदर अपन ने पढ़ा था उत्तरदायित्व, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। और 164(3) के अंदर अपन ने पढ़ी थी शपथ, मुख्यमंत्री और मंत्रियों दोनों की शपथ के बारे में उल्लेख है। और 164(4) के अंदर अपन ने योग्यताएं पढ़ी थी कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं थी सॉरी, एक तो 25 वर्ष का न्यूनतम आयु होनी चाहिए, दूसरा राज्य विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो गलती की कि 164(4) के अंदर केवल दो ही योग्यताएं हैं, एक तो 25 वर्ष का नागरिक हो, वह 25 वर्ष का उम्र का आयु उसकी हो, और दूसरा है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। इसमें न्यूनतम आयु दी गई है और एक किसी भी सदस्यता दी गई किसी भी सदन की, इसमें एक चीज़ नहीं दी कि वह भारत का नागरिक हो, इसमें यह योग्यता नहीं दी गई है। वन उसके बाद अपन ने 5 नंबर क्या पढ़ी थी, उसके वेतन भत्ते के बारे में विधानमंडल निर्धारित करता है। ठीक है, और 75,000 रुपये वेतन है, 5 वर्ष से पहले उसको हटाया नहीं जाती है। और फिर देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ में सबसे पहले 167, इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रावधान प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करे, नंबर एक बात। दो नंबर बात, राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करता है। यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। तो 167 में कर्तव्य है मुख्यमंत्री के, पहले में ये बताया गया है कि वह जानकारी दे, दूसरे में अगर जानकारी राज्यपाल मांगे तब दे, और तीसरे में अगर राज्यपाल कहे तो किसी मंत्री ने विचार किया तो वह मंत्रिपरिषद के समक्ष राय। 167 में यह उल्लेख है। और राज्य में मुख्यमंत्री के अन्य कार्य क्या होते हैं, तो अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, 164 में मुख्यमंत्री के बारे में और मंत्रियों के बारे में हैं। और ऐसे लिखा है 164 के अंदर, 1 के अंदर, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और उसके बाद 164(1)(k) के अंदर क्या उल्लेख है, आकार का उल्लेख है। 164(2) के अंदर है उत्तरदायित्व का उल्लेख। 164(3) में है शपथ का उल्लेख, मंत्रियों और मुख्यमंत्री दोनों का है। फिर 164 में योग्यता का उल्लेख है, केवल दो ही योग्यताएं दी गई है, एक तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु हो और दूसरा राज्य के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का वह सदस्य हो, अगर नहीं है फिर भी उसे बनाया जा सकता है। और उसको समय कितना दिया जाता है, उसको समय दिया जाता है 6 माह, कि 6 माह में वह किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। ठीक है, और यदि एक बात और बता दूं, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और राज्यपाल उसे नियुक्त कर देते हैं तो राज्यपाल उसे कहता है कि आप 1 माह के अंदर मुझे विश्वास मत हासिल करके दिखाओ, फिर आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे अपने पद पर। ठीक है, फिर अपन ने 5 में क्या पढ़ी थी, सेवा शर्तें और वेतन भत्ते पढ़े थे जो कि संचित निधि पर होते हैं, वर्तमान में 75,000 है, निर्धारित विधानमंडल करता है। राज्य में मुख्यमंत्री के अन्य कार्य क्या क्या हैं, फिर हमने कर्तव्य पढ़े थे आर्टिकल 167 में 3 कर्तव्यों का उल्लेख है। फिर देखें
मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है? किसकी शक्ति? मुख्यमंत्री की या फिर अन्य कार्य। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, नंबर एक बात। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहले कौन डिसाइड करता है? मुख्यमंत्री मंत्री को कौन सा विभाग देना है? मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। मुख्यमंत्री ऐसा कार्य करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श मुख्यमंत्री ही देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा बैठक का स्थान और समय निर्धारण मुख्यमंत्री ही करता है। तो देखें, मंत्रिपरिषद के संबंध में चार तीन चार हैं। और अन्य क्या बात है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों का नियंत्रण भी करता है। कौन? मुख्यमंत्री करता है। फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा से विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है। तो सत्राहूत और सत्रावसान करने का कौन संबंध में सलाह देता है? मुख्यमंत्री किसको? राज्यपाल को। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है और मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। राज्य का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी कौन होता है? वह होता है मुख्यमंत्री। लेकिन सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? संवैधानिक कार्यकारी, और कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, फिर देखें। हाँ, मुख्य सचिव सचिवों का प्रधान होता है। वह मुख्यमंत्री की प्रशासनिक मामलों में सलाह परामर्श देता है। यद्यपि वर्तमान में व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की राज्य प्रशासन में भूमिका ज़्यादा असरदार एवं महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुख्य सचिव को? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है तथा यह मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधा कृष्ण एवं वर्तमान में मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं। ठीक है, तो राजस्थान में पहले मुख्य सचिव कौन थे? पहले मुख्य सचिव के राधा कृष्ण। के राधा कृष्ण राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सचिव थे। प्रथम राजस्थानी राजस्थान के मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भी भगत सिंह हैं। और पहले कौन थे? के राधा कृष्ण थे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी और वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा हैं। सर्वाधिक चार मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव बिपिन बिहारी लाल माथुर रहे हैं। सर्वाधिक चार मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव कौन रहे हैं? बिपिन बिहारी लाल। प्रथम कौन थे? के राधा कृष्णन थे। मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। एक तो राज्य आयोग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, राज्य योजना बोर्ड के तो अध्यक्ष होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख 263 के मिलता है, के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखें क्या बात है कि राज्य में विधानसभा का नेता, सदन का नेता मुख्यमंत्री ही होता है। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करें तो भी उत्तर प्रदेश की थी, जिनका नाम आप मुझे बताएं क्या था? सरोजिनी नायडू था। और जिनकी जयंती पर क्या है मनाया जाता है? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। फिर अनुच्छेद 164, 167 में मुख्यमंत्री व राज्यपाल के अंतर संबंधों का उल्लेख मिलता है, किसमें? 63, 64 और 67 में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे।
कि क्या है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो मोहनलाल चौकाड़िया हैं, एक हरिदेव जोशी हैं, फिर तीसरे हैं शिवचरण माथुर, और फिर है जगन्नाथ पहाड़िया। तो मोहनलाल चौकाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे हैं, मोहनलाल चौकाड़िया। उसके अलावा हरिदेव जोशी असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे हैं, और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। तो अब तक राजस्थान के चार ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। कौन कौन से हैं? मोहनलाल चौकाड़िया हैं, शिवचरण माथुर हैं, हरिदेव जोशी हैं, जगन्नाथ पहाड़िया हैं। ठीक है, तो कैसे याद करें इनको? मोहनलाल चौकाड़िया और हरिदेव जोशी आपको याद रहेगा, शिव जगन्नाथ याद रखें, शिव जगन्नाथ, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया आपको याद रहेगा। फिर देखते हैं उप मुख्यमंत्री। यह एक गैर संवैधानिक पद है और यह एक परंपरा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है। कौन सा पद? उप मुख्यमंत्री का। अभी तक कौन कौन उप मुख्यमंत्री रहे हैं? सर्वप्रथम थे टीका राम पालीवाल, फिर थे हरी शंकर भाभड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। कौन कौन थे? टीका राम पालीवाल 52 से लेकर 54 तक थे, और मुख्यमंत्री थे इस काल में जय नारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल प्रथम थे। दूसरे थे हरी शंकर भाभड़ा, यह 94 से 98 तक रहे थे और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। बनवारी लाल बैरवा 2003 में तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे और अशोक गहलोत थे। तो अशोक गहलोत के काल में तीन उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन कौन? बनवारी लाल बैरवा 2003 में, कमला बेनीवाल भी 2003 में, सचिन पायलट 2018 में। तो सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता किस मुख्यमंत्री काल में रहे हैं, वह रहे हैं अशोक गहलोत के काल में, तीन रहे हैं, कौन कौन रहे हैं? तो वह हैं बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल जो कि प्रथम उप मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी, और सचिन पायलट। सचिन पायलट तो अपन जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा चार नाम और हैं, टिक्का राम पालीवाल आपको याद करना है, दूसरा है हरी शंकर भाभड़ा, तीसरा है बनवारी लाल बैरवा, और कमला बेनीवाल भी उप मुख्यमंत्री रही है। राजस्थान के अब तक पांच उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरी शंकर भाभड़ा एकमात्र उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? हरी शंकर भाभड़ा रहे हैं। तो एक बार दोहरा दें कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 164 के अंदर है, और यह राजनीतिक प्रमुख होता है। 164(1) में नियुक्ति का प्रावधान है, और 164(1)(क) में जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसके आकार निर्धारित किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। उसके अलावा अपन ने दो में पढ़ा था, क्या दो में पढ़ा था? उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का किसके प्रति? विधानसभा के प्रति होता है। और तीन में हमने पढ़ी थी शपथ, मंत्रिपरिषद और किसकी? मुख्यमंत्री, दोनों की शपथ 164(3) के अंदर है। 164(4) के अंदर क्या है? योग्यताएं हैं, जो कि दो योग्यताएं दी गई हैं मुख्यमंत्री के लिए। एक तो वह 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुका हो, और राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। फिर पांच में क्या दी गई है? वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के वर्तमान वेतन 75,000 रुपये हैं, और निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल ही निर्धारण करता है। फिर इसके अलावा आपने एक आर्टिकल 167 पढ़ा था, जिसमें कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताए गए हैं, तीन कर्तव्य बताए गए हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने ऐसे कुछ बातें पढ़ी थी, हाँ ठीक है। फिर मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री ही करते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति, IAS अधिकारी होता है, और किस किस के अध्यक्ष रहे वो आपको मैंने बता दिया। फिर देखें कि हाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया आपको याद रहेगा, हरिदेव जोशी आपको याद रहेगा, शिव और जगन्नाथ मैंने आपको बताया था, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया भी
ऐसे मुख्यमंत्री है जो किसी राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, और आप मुख्य उप मुख्यमंत्रियों के नाम बताएं तो प्रथम थे टीका राम पालीवाल, दूसरे कौन थे, प्रथम थे टीका राम पालीवाल, दूसरे थे हरिशंकर भाभड़ा, तीसरे थे बनवारी लाल बैरवा, चौथे कौन थे, महिला कौन थी, कमला बेनीवाल, और सचिन पायलट को तो सब जानते हैं। सर्वाधिक किस काल में रहे हैं, अशोक गहलोत काल में रहे हैं। कौन कौन रहे हैं, तो बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे क्या सुधार करना है। धन्यवाद दोस्तों।